नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 6 सिंपल वेज जिससे आप वेट लूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला, कैलोरीज को ट्रैक करें। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कैलोरीज ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, पर दोस्तों एंड्रॉइड के जमाने में कैलोरीज ट्रैक करना सबसे सरल काम है। आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जैसे माई फिटनेस पैल, फिटर एक्सेट्रा का प्रयोग कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आप प्ले स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें अपना वेट, हाइट, एज इत्यादि ऐड करें। वेट लॉस के लिए आपको कितनी कैलोरीज खानी है ये सब बता देगा। फिर क्या, जो दिन भर खाना खाया है एप्लीकेशन में ऐड करें। ये एप्लीकेशंस इतने अच्छे हैं कि आपने कितना कैलोरीज खाया है, उस फूड में कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना ग्राम फैट है, सब पता चल जाएगा। टिप नंबर 2, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। बचपन में मम्मी ने बड़ा समझाया था, पर कभी भेजे में घुसा नहीं। सब्जियों में कैलोरीज कम होता है और फाइबर्स ज़्यादा। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। आपका पेट एक मुट्ठी बराबर है, इसमें आप 10 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं या आधा केजी पत्ता गोभी। 1 चम्मच तेल में 14 ग्राम फैट होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि 1 चम्मच तेल में आपको 120 कैलोरीज मिलती है और 10 चम्मच तेल में 1200 कैलोरीज। वहीं अगर आप आधी पत्ता गोभी भी खा जाते हैं तो आपको मात्र 125 कैलोरी ही मिलेगी। अब ये सोचने की बात है कि अगर आप फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं तो 10 चम्मच तेल खाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, आधा केजी पत्ता गोभी खाना बहुत बड़ी बात है। टिप नंबर 3, रोज सोडा पीने से अच्छा पानी पिएं। एक 500 ml सोडा की बोतल ग्रहण करने से आपको 200 कैलोरीज मिलेगी, पर एक बोतल पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। सोडा घटाने का मतलब है कि आप शुगर को कम कर रहे हैं। यह आपके हृदय के लिए भी अच्छा है और आपको हार्ट अटैक से भी दूर रखेगा। टिप नंबर 4, फ्रूट जूसेस पीने से अच्छा फ्रूट्स खाएं। होगा ये कि आपको इससे कैलोरीज कम मिलेगी और फाइबर्स ज़्यादा। ज़्यादा फाइबर्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर्स आपके खाने की लालसा को भी कम करता है। टिप नंबर 5, छोटी थाली में खाना खाएं। बड़ी थाली में खाना खाने से आपको खाना कम दिखता है। इस टॉपिक पे हमने डिटेल्स में बताया है और वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, कृपया आप उसे ज़रूर देखें। आखिरी, मीठा खाने से दूर रहें और कोशिश करें कि उसे घर में ही ना रखें। मीठे की प्रॉब्लम ये है कि ये आपके खाने की तृष्णा और लालसा को बढ़ा देता है। हमारे बीच कौन सा ऐसा प्राणी है जो एक चॉकलेट खा के रुक जाता है? मीठा हमारे दिमाग में बहुत गहरी तरह से असर करता है और ये हमें एक चुंबक की तरह खींच लेता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप वेट लॉस मिशन पे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये तो थी हमारे सेहत की बात, अब इनके सेहत की बात करते हैं। देश में इलेक्शन चल रहे हैं और अब सभी से गुजारिश है कि कृपया उज्जवल भारत के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक वोट से होती है जीत हार, वोट ना होए कोई बेकार। जय हिंद।